युद्ध कपूर खानदान के हर एक शख्स ने देसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर चुना और उससे समाज वालों के सामने शादी की है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही इनके बीच घर के अहम सदस्य शशि कपूर ने घर से भागकर एक विदेशी लड़की से ब्याह रचाया था और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। पर वो क्यों, कब, कैसे, कहां और क्या है ये पूरी घटना, चलिए आपको बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुजरे लगभग दो दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता शशि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने दमदार लुक्स और एक्टिंग के दम पर हिंदी फिल्म जगत में गजब की दौलत और शोहरत हासिल की थी। और अपने फिल्मी करियर में इन्होंने तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था और अपने दौर में इनका नाम सुपरस्टार अभिनेताओं की लिस्ट में भी शामिल होता था। बता दें, इनका बचपन फिल्मों के सेट पर ही बीता था। अपने पिता के थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर्स के बीच रहने के कारण इनके मन में एक्टिंग की ललक जगी थी। कहा जा सकता है कि अभिनय का हुनर इन्हें विरासत में मिला था। उस वक्त अभिनेता शशि कपूर काफी रोमांटिक हुआ करते थे। ऐसे में इन्हें महज 18 साल की उम्र में पहला प्यार हो गया था। वो भी कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, बल्कि ये तो अपने से 5 साल बड़ी एक लड़की को दिल दे बैठे थे। दरअसल एक थिएटर में एक शो के दौरान पर्दे के पीछे से झांकते वक्त शशि ने जेनिफर को दर्शकों के बीच बैठे हुए देखा था, जिनसे इन्हें देखते ही प्यार हो गया। हालांकि जेनिफर जाने माने हॉलीवुड एक्टर जेफरी कैंडल की बेटी थी, लेकिन इनकी शादी के लिए ना ही कपूर खानदान तैयार था और ना ही जेनिफर के पिता। फिर भी दोनों ने सबके खिलाफ जाकर घर से भागकर साल 1958 में शादी कर ली थी। उस वक्त शशि महज 20 साल के थे और जेनिफर 25 साल की थी। इस दौरान अपनी लाइफ में शशि को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। एक वक्त था जब शशि 6 अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। ऐसा तब हुआ जब इन्हें काम मिलना बंद हो गया था। ऐसी आर्थिक तंगी के चलते इन्हें अपनी स्पोर्ट्स कार तक बेचनी पड़ी थी और जेनिफर ने भी अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, क्या आप अभिनेता शशि कपूर को आज भी याद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।